देखिए, हम जैसा जानते हैं कि जो हमारे भूमि भू रिकॉर्ड्स हैं, जिसको डिजिटल करके और हम लोगों ने एक डिजिटलाइज्ड यानी जो स्टोर रूम है वो बनाए हैं, ताकि जितने भी 100 100 साल के पुराने रिकॉर्ड तहसीलों के, वो सब कंप्यूटराइज करके और उनको एक क्लिक से ढूंढा जा सके। पहला हमारा ऐसा सेंटर बना था, डिजिटलाइज सेंटर कैथल में, आज से 4 साल पहले। बहुत अच्छे उसके परिणाम आए। 4 साल में अभी सभी 22 के 22 केंद्रों को हमने डिजिटलाइज कर दिया है, ताकि जितने पुराने रिकॉर्ड्स हैं, भू लेखा के जितने भी हैं, उनको डिजिटलाइज करके और विधिवत तरीके से उसको इंडेक्सिंग कर दी है। उस इंडेक्सिंग के बाद एक क्लिक से कोई भी डाटा किसी भी जमीन का, किसी भी समय का, वो निकाला जा सकता है। नहीं तो जो झगड़े पड़ते थे लगातार, उन झगड़ों में चीजें कई बार तो रिकॉर्ड ही गायब हो जाते, जल गए, गुम हो गए, लोगों ने वेस्ट इंटरेस्ट से उसको यानी गायब कर दिया, वो सारी चीजें रोकथाम हो जाएगी और लोगों को उसकी बहुत सहूलत हो जाएगी। हमारा शुरू से ही रहा है गुड गवर्नेंस के नाते से करप्शन को खत्म करना, ये हमारा टारगेट है। बहुत चीजें जो पकड़ी जा रही है उनको हम ठीक भी कर रहे हैं। हम किसी की कोई लिहाज नहीं करते हैं, जो चीज ध्यान में आती है उसको कैसे ठीक करना है, इसके ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं और लगातार इसको करके ठीक कर रहे हैं। उसी का हिस्सा है, भर्ती खर्ची नहीं चलेगी, उसी का हिस्सा है कि अगर कुछ लोगों ने पैसे दे करके और नौकरियां लेने की कोशिश की है, उसको उन्होंने डिफ्यूज किया है, उसको फेल किया है, उसको उन्होंने पकड़ा है और पकड़ करके करोड़ों रुपए जो इकट्ठे कर लिए गए थे, अब उनको नौकरी मिली कि नहीं मिली वो तो अभी बीच में ही है, रिजल्ट ही बीच में है। लेकिन कम से कम जिन्होंने पैसे इनको दिए होंगे, तो जो गलत काम करने वाले, चाहे दलाल हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, या जिन्होंने पैसे दिए हैं, सबके खिलाफ एक्शन होगा, ताकि आगे इस विषय को कोई करने की हिम्मत ना कर सके। हम मिशन मेरिट चालू किया था, लगातार चालू रहेगा। इसमें कहीं भी कहीं से कोई शिकायत आएगी, कहीं से कोई लूपहोल मिलेगा, उसको चेक करेंगे, बंद करेंगे। ये तो हमारे समय में हम कर रहे हैं, कांग्रेस के समय में, पिछली सरकारों के समय तो इस प्रकार की हिम्मत ही किसी ने नहीं की कि वो अपने समय में इस प्रकार के जो फॉल्ट थे उसको कभी चेक किया हो, कभी पकड़ा हो। कुल 7 FIR 10 साल में उन्होंने की, जबकि ये खेल खेल तो बहुत पुराने चल रहे हैं। एक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को तो इन बातों को लेकर सजा हो गई 10 साल की, तो वो कैसे कहते हैं कि हाँ ये चीज उस समय नहीं होती थी। उस समय के जो कोर्ट द्वारा किए गए फैसले हैं, वो चाहे वो टीचर्स के हों, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट के हों, चाहे एचसीएस के हों, कितने ही कोर्ट ने बाहर किए और उनको हम एक एक करके सुलझा रहे हैं। हम कोई लिहाज नहीं करते, हम करप्शन को खत्म करके करने का हमारा इरादा है, उसको पूरा करने में लगे। ये तो किसानों से पूछा जाए, जब उनकी मांग थी कि हाँ ये वापस करने चाहिए, हालांकि एक बहुत लोग आज भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, तीनों किसान कानूनों के कारण से किसान को बहुत बड़ा लाभ होने वाला था, जिससे किसान वंचित रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसको जिद पूर्वक एक अपना हठ बना लिया कि नहीं वापस कराएंगे। प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए और इसको वापस किया है। अब इसमें कोई उनको नैतिक अधिकार नहीं है कि इस आंदोलन को चालू रखें, फिर भी अगर वो रखेंगे तो उनसे पूछेंगे क्यों रखा हुआ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।